नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भारत अधाना और अधाना टीवी न्यूज़ में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, असली भारत गाँव में बसता है। ये वो दौर था जब गाँव को भारत की आत्मा कहा जाता था। भारत देश के अंदर लगभग 6.5 लाख गाँव हैं और गाँव में लगभग 90 करोड़ लोग रहते हैं। मैं आपको बता दूँ, आज हम पहुँचे हैं हापुड़ जिले के कोटा गाँव में। ये बातचीत करते हैं जी। क्या नाम है आपका? जी लक्ष्मी जी। आप अपना पूरा परिचय दें। मैं हरनाथपुर कोटा की लक्ष्मी आशा बोल रही हूँ। जी जी, आप मुझे ये बताइए, क्या आपने गांव में कोरोना की टेस्टिंग कराई? जी हाँ। कितने लोगों को लगभग आपने टेस्टिंग कराई है? काफ़ी लोगों को करा दी जी। और वैक्सीन कितने लोगों को लगभग लग चुकी है? अधिकतर लग चुकी है, थोड़े कुछ ही लोग रह रहे हैं। दोनों डोज लग चुकी है या एक लग चुकी है? ज़्यादातर सिंगल डोज लगी है, डबल डोज तो अभी कुछ ही लोगों को लग पाई जी, है जी, वो अभी यहाँ पे बूथ नहीं लगा, जब लगेगा तो लग जाएगा। तो काफ़ी बार यहाँ पर कैंप लग चुका है जी हाँ। लोग मास्क का भी, अभी हमने ग्राउंड जीरो से जाने की कोशिश करी, लोग मास्क का प्रयोग आपके गांव में कर रहे हैं। काफ़ी लोगों के जागरूक भी लोग हैं, कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं, आप उनसे क्या अपील करना चाहोगे? जी समझाने की कोशिश करते हैं बस जी। तो आप ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों को समझाती हैं? हाँ जी। तो ये कोरोना वॉरियर हमारे साथ बातचीत कर रही थी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोटा के गांव के लोगों से और बातचीत करते हैं। बाबा जी क्या नाम है आपका? गहल सिंह। गहल सिंह बाबा जी, क्या आपके वैक्सीन लगी? लगी है। हाँ। दोनों वैक्सीन लग चुकी है? एक लगी है। हाँ। और क्या आप क्या संदेश देना चाहोगे आप? कुछ लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं, अफवाह ज़्यादा फैल रही हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी अफवाह फैला दी कि अगर आप वैक्सीन लगवाओगे तो 2 साल बाद आपकी मौत हो जाएगी। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सब झूठ सच बात है जी। वैक्सीन लगवाना बहुत अच्छी चीज़ है। वो हैं पागल जिन्हें ज्ञान नहीं है जी, वो करते हैं इस बात की। हमने बढ़िया है, लग गई हमारे जी, और पूरे उसमें लगी है गाँव में। हाँ। तो आपके गांव में टेस्टिंग वेस्टिंग हुई है नहीं हुई बाबा जी? टेस्टिंग? हाँ जी। हाँ टेस्टिंग हुई है। अच्छा, टेस्टिंग अच्छा। हुई है। तो वैक्सीन का जो काम है वो लगातार जारी है, वैक्सीन लग रही है लोगों? हाँ जी, हाँ जी लग रही है। जो जा रहा है उसे लगा रहे हैं, जो ना जावे तो उसे कैसे करेंगे। क्या आपके गाँव में कोई कोरोना का केस है? नहीं है। नहीं, हमारी नज़र में कोई नहीं, कोई केस नहीं है। तो इन्होंने बताया कि हमने दोनों वैक्सीन भी लगाई है, और साथ साथ आपको बता दें इन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर टेस्टिंग भी काफ़ी बार हुई है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये गांव हापुड़ जिले का ये गांव कोटा हरनाथपुर ये कोरोना मुक्त है। बातचीत करते हैं जी। मैं अपने विडिनल्स को मेरे साथ साथ चले जी। क्या नाम है आपका? अंकुश नाम है मेरा। अंकुश जी, क्या आपके वैक्सीन लगी? जी हाँ, दोनों डोज लग चुकी हैं। जी लग चुकी हैं। अच्छा मुझे अंकुश जी, जरा आप ये बताइए कि आपके आपके गाँव में कोरोना की टेस्टिंग हुई है? नहीं हुई। हाँ जी हुई है। हुई है जी। तो कितनी बार अगर टेस्टिंग हो चुकी है यहाँ पर? 3-4 बार टेस्टिंग हो चुकी है जी। आपने कोरोना की दोनों डोज लगवाई हैं, तो आप देशवासियों से क्या अपील करना चाह रहे हैं? आजकल ये अफवाह बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि अगर आप वैक्सीन लगोगे तो 2 साल बाद आपकी मौत हो जाएगी। तो आप जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? ये अफवाहें बिल्कुल गलत हैं, कुछ भी किसी के बहकावे में नहीं आए, आगे बढ़कर डोज लगाएं। भारत सरकार द्वारा ये डोज को अप्लाई किया गया है, ठीक है। मैंने खुद दोनों डोज लगवाई अपनी, ठीक है। मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। मैं लगवाने के बाद मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, आपके सामने हूँ। अब हम बातचीत करते हैं प्रधान जी से जी। सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताएं। नरेश कुमार, ग्राम प्रधान जी। आपने लगभग कितनी बार गांव में टेस्टिंग कराई है? तीन बार टेस्टिंग कराई है। और लगभग कितने लोगों को दो दो डोज लग चुकी है या 1 लग चुकी है? यहाँ पर लगभग जो है कम से कम भी जी 20% लोग लग गए। क्या आपके गाँव में तो कोई अफवाह का कोई शिकायत? कोई अफवाह नहीं है, सभी लोगों ने लगवाई है, सब लोग समझदार हैं और जागरूक भी हैं इस चीज़ में। हमने लोगों का जा जा घर समझाया, आशा बहू ने भी और बाकी आंगनबाड़ी एन एम भी काफ़ी कुछ काम करा है, बाकी सब लोगों ने लगवाई है वैक्सीन। हमने अभी देखा, हमने जब अभी हम देख रहे थे ग्राउंड जीरो पर जाकर, दुकानें सब बंद पड़ी हुई है, लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हैं इस गांव के। तो हम ये कह सकते हैं कि कोरोना मुक्त है? हाँ, ये हमारा गांव कोरोना मुक्त है। कोरोना मुक्त है। हाँ। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि हापुड़ जिले का ये बहुत ही लगभग 3,000 इस गाँव की आबादी है और ये कोरोना मुक्त है। प्रधान जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लोगों की जान बचाने का जो कार्य किया है, आपने लगभग काफ़ी बार आपने टेस्टिंग भी कराई है, लोगों को घर घर जाकर आपने आशा वर्कर के साथ साथ लोगों को जागरूक भी किया है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने एक जिम्मेदार नागरिक होने का अपना कर्तव्य निभाया है। और आप क्या संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से देशवासियों को? भाई देखो सुनो, सभी लोगों को अपने अपने वैक्सीन लगानी चाहिए, ठीक है। ये जान मतलब ये दवाइयाँ जो है वैक्सीन जान बचाने के लिए लगाई जा रही है, इसलिए हमारी ये कहना है कि सबको टाइम पर वैक्सीनेशन कराना चाहिए। हापुड़ जिले के कोटा गाँव से इतना ही, आपसे मुलाकात फिर होगी, तब तक ले नमस्कार। जय हिंद। हारेगा कोरोना, जीतेगा भारत। जय हिंद।